क्या दोस्तों, आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप अकाउंट को सिक्योर बनाया है? व्हाट्सएप अकाउंट का साथ में आपका मोबाइल नंबर भी सिक्योर बनाया है? अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है, कैसे बनाना है पता नहीं है, तो आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में ऐसे 2 स्टेप का वेरिफिकेशन का लॉक कैसे करके कैसे करना है, मैं करके स्टेप लिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को लाइव में मैं बताऊँगा करके। तो कैसे आप लोग लॉक कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं। कभी भी आपका मोबाइल चोरी हो गया, कोई भी लेके जाके आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं कर पाएगा, आपका डाटा कुछ भी चुरा नहीं पाएगा, या फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका सिम चोरी हो गया, दूसरा किसी भी मोबाइल में लेके जाके ओपन नहीं कर पाएगा। जब तक ये पासवर्ड नहीं लगाएगा, तब तक वह व्हाट्सएप अकाउंट ओपन ही नहीं कर पाएगा। किसी भी डिवाइस में वो पासवर्ड लगाने के बाद में ओपन कर पाएगा। तो अगर आप लोग ऐसे लॉक करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मालूम है, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को एंड कर सकते हो, यहाँ से आप लोग जा सकते हो, यहाँ पे स्किप कर सकते हो वीडियो को। तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप अकाउंट से व्हाट्सएप से बताऊंगा, दूसरा किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स का जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप से ही आप लोग लग कर सकते हो। कैसे करना है आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कैसे आप लोग कर सकते हो, कैसे आपका व्हाट्सएप अकाउंट को सिक्योर बना सकते हो, साथ में आपका सिम कार्ड को भी सिक्योर बना सकते हो व्हाट्सएप के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, और एक बात बता दूं, अगर पहली बार आप लोग टेक्निकल अमरुद्दीन चैनल पर आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलते रहेगा। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक अकाउंट पर देख रहे हो, तो फेसबुक को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, तो आप लोगों को भी ऐसी वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे आप लोग इजीली लॉक लगा सकते हैं अपना व्हाट्सएप को। तो आप लोगों को पहले व्हाट्सएप ऑन कर लेना है। व्हाट्सएप ऑन करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना, मैं एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे फास्ट में देख सकते हो अकाउंट, तो यहाँ पे आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो फास्ट सेकेंड थर्ड पे आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। मैं मार्क किया हूँ, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऐसा ही आ जाएगा। ऐसे आने के बाद में नीचे आप लोगों को एनेबल में क्लिक करना है। यहाँ पे आप एनेबल में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसे आ जाएगा। दोस्तों, ये मैं लगाने से पहले और एक बार बता दूं, ये जो पासवर्ड आप लगाओगे 6 डिजिट का, ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप बाद में दूसरा किसी भी मोबाइल में रजिस्टर करने जाओ या व्हाट्सएप ओपन करने जाओ, ये फ़ोन आप बेच दिया, दूसरा मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करना चाहते हो, अगर आपका पास ये पासवर्ड नहीं है, तो आप ओपन नहीं कर सकते व्हाट्सएप। दूसरा किसी भी मोबाइल में, किसी भी डिवाइस में, किसी भी फ़ोन में आप दूसरा किसी भी कहाँ पे भी ऑन नहीं कर सकते। यही सेम नंबर आप पहले ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, रजिस्टर हो जाएगा, होने के बाद में ये पासवर्ड डालने के बाद में ओपन होएगा दूसरा किसी भी मोबाइल पे। आपका ये मोबाइल में भी अगर आप लोग एक दिन बाद में यूज़ कर रहे हो, पूरा एक दिन आप यूज़ नहीं किया 12 आवर्स, तो बाद में आप ओपन कर रहे हो, तो फिर भी ये लॉक लग जाएगा। तो यही पासवर्ड डालने के बाद में आपका व्हाट्सएप ओपन होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है, ध्यान रख के पासवर्ड जो याद रहे वही लगाना। तो मैं पासवर्ड अभी इजीली लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, दोबारा लगाना कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, और बाद में आता है नंबर 2 स्टेप। तो यहाँ पे आप लोगों को और एक बात ध्यान में रखना है, अगर आप लोग जो पासवर्ड लगाया कभी भी भूल गया हो, अगर आप लोग रिकवरी करना चाहते हो, आपका पास ईमेल है, तो आप लोग यहाँ पे जीमेल डाल सकते हो, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कभी भी भूल गया तो भी आप रिकवरी कर सकते हो पासवर्ड। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक ईमेल डाल दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। तो ईमेल डाल दीजिए, तो कभी भी इंसान का दिमाग है, कभी भी भूल जाते हो, कैसे कोई भी भूल सकता है, तो आप लोगों को याद रहेगा यहाँ पे डाल दिए तो। तो यहाँ पे मैं भी मेरा जीमेल डाल देता हूँ, नहीं तो मैं स्किप कर डाल देता हूँ आप लोगों को। बाद में मैं यहाँ पे मेरा जीमेल डाल दिया, डालने के बाद में नेक्स्ट करना है, फिर कंफर्म जीमेल डालना है। यहाँ पे कंफर्म जीमेल में फिर डाल दिया, डालने के बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनेबल हो गया, यहाँ पे डन हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को डन पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे ऐसे हो गया। अगर आपको अभी भी यह डिलीट करना चाहते हो, यह आपका लक नहीं चाहिए, डिलीट करना चाहते हो, तो आप फिर वहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हो, फिर अकाउंट में जाना है, फिर टू स्टेप में जाना है। स्टेप में जाके यहाँ पे फास्ट में देख सकते हो डिसेबल, तो डिसेबल करने के लिए आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, कर सकते। और पासवर्ड चेंज करना चाहते हो पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपका जीमेल चेंज करना चाहते हो जीमेल भी चेंज कर सकते हो, तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। आप कभी भी आपका सिम भी गुम हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई भी लेके जाके वो ओपन नहीं कर पाएगा जब तक उसको ये पासवर्ड मालूम नहीं होगा। तो बहुत ही ईजिली आपका फेसबुक को सिक्योर कर सकते हो। दूसरी दोस्तों, आपका व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हो आप। तो अगर आप लोग फेसबुक के बारे में जानना चाहते हो, फेसबुक कैसे सिक्योर बना सकते हो, लॉक कर सकते हो, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आपको वीडियो का एंड में मिल जाएगा। तो दोस्तों यही बताना था आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, और हो सके तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।